हेलो एंड वेलकम गाइस टू डिजिटल वैज्ञानिक। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोकल होस्ट यानी कि आपके उस कंप्यूटर पर आप कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज़ैम्प सॉफ्टवेयर। ये ज़ैम्प आप मैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़ैम्प की तरह की मदद से आप कैसे अपने पीसी पर वर्डप्रेस लोकली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले गूगल पर आना है और ज़ैम्प टाइप करना है। ज़ैम्प आप जैसे ही टाइप करेंगे आपको सबसे पहली लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है या फिर आप सिंपली डाउनलोड पर भी क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पेज मिल जाएगा, ये वाला पेज। यहाँ पर आपको डाउनलोड के ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने विंडोज़ लिनक्स एंड ओएस अपने हिसाब से कोई भी एक डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर विंडोज़ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोडिंग इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो ज़ैम्प है वो डाउनलोड इस तरह से हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने इन सबको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपको सबसे पहले जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया उस फोल्डर में आना है और आपको ज़ैम्प पर दो बार क्लिक करना है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल मैं आपको बताता हूँ कब क्या क्या इंस्टॉल करना है। एक टाइम इसको आपको दो बार जैसे क्लिक करेंगे आपको इंस्टॉल के कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उनमें से आपको माई एस क्यू एल एंड पी एच पी माई एडमिन को इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पर हमारे सी फोल्डर के अंदर ज़ैम्प के अंदर हमारा इंस्टॉल होगा। इसको सिंपली मैं एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको आपकी लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर मैं सिंपली इंग्लिश रहने देता हूँ और फिर से एक बार नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर फिर से एक बार नेक्स्ट पर, और ये तो थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद मैं इसको गूगल के साथ ओपन करना चाहूँगा। ऑलवेज यूज दिस ऐप पर क्लिक करने के बाद सिंपली एक बार ओके पर क्लिक करता हूँ और फिर से एक बार हम इसको देख लेते कि हमारा कैसा होगा। ये उसकी वेबसाइट ओपन हो गई, थैंक्स, ये सब चीज़ें ओपन हो गई। और यहाँ पर सिंपली मैं एक बार इसे कट कर देता हूँ और वापस से आते हैं हम ज़ैम्प के अंदर। तो यहाँ पर आपको सिंपली एक बार फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा। थोड़ी देर के बाद ये अनपैकिंग फाइल होने के बाद आपका पीसी के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको आगे का प्रोसेस किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका और सिंपली मैं इसे फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके रखा है, टिक करके रखा है। और मैं यहाँ पर सिंपली एक बार फिनिश पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमारा ज़ैम्प जो है यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली एक बार यहाँ पर आपको आने के बाद आपको अपाचे एंड माई एस क्यू एल इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर ऑन कर देना है। अपाचे एंड माई एस क्यू एल दोनों चीज़ों को यहाँ पर ऑन कर देना है और यहाँ से आपको टेस्ट करना है कि ये सच में रन हो रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको सिंपली एक बार ब्राउज़र में आ जाना। ब्राउज़र में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है HTTP colon, उसके बाद आपको डबल स्लैश के बाद आपको यहां पर लिखना लोकल होस्ट। लिखने के बाद आपको सिंपली यहां पर एक बार एंटर दे देना है और ये हमारा यहां पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे यहां पर कोई भी खाली पेज या फिर एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारे जो MySQL एंड Apache के सर्वर वो कंप्लीटली रन कर रहे हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक बार वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करनी होगी। वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको मैं यहाँ पर कट कर देता हूँ और उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपली वर्डप्रेस या फिर डाउनलोड वर्डप्रेस इस तरह का एक सर्च कर लेना है गूगल के ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर wordpress.org के ऊपर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने मिलेगा। आप यहाँ पर जब भी डाउनलोड वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे आपकी यहाँ पर एक वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखी है। मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, हमारे ये वर्डप्रेस की फाइल यहाँ पर डाउनलोड हमने ऑलरेडी करके रखी है। तो इस फाइल को हमको सिंपली एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेना है। फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एक्सट्रैक्ट फाइल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद हमारी सारी की सारी फाइल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो इसको एक बार मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सारी की सारी जो हमारी एक्सट्रैक्ट थी वो सारी की सारी यहाँ पर फाइलें जो इस जिप के अंदर बंद थी वो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर हो रही है। तो एक बार एक्सट्रैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपकी बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर रखा था वो हमारी फाइल सारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। एक बार मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ, ये हमारी वर्डप्रेस इस फाइल के अंदर सारी फाइलें ओपन हो चुकी है। तो हमको इस वर्डप्रेस को यहाँ पर चेंज करना है। आप अपनी वेबसाइट का नेम लिखिए, उसमें आपको सिंपली मैं जैसे कि ये सैंपल के लिए यहाँ पर साइट नेम लिख देता हूँ, यहाँ पर साइट नेम। और आपको यहाँ पर सारे के सारे स्मॉल लेटर्स लिखने हैं और आपको इसमें कुछ भी स्पेस इस तरह का कुछ भी छोड़ना नहीं है। उसको आपको यहाँ से कॉपी करना है, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। आपको इसको कॉपी करने के बाद सी में जाना है, आपके जो जहाँ भी आपने इंस्टॉल किया है वहाँ पर जाना है। मैंने यहाँ पर सी के अंदर ज़ैम्प के अंदर इंस्टॉल किया था। यहाँ से आपको HTDocs
ये वाला फोल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी साइट जो वहाँ से हमने फोल्डर कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सिंपली मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा साइट नेम करके इस तरह का फोल्डर यहाँ पर आ चुका है। तो उसके बाद हमको यहाँ पर सबसे पहले तो डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट करना रहेगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर MySQL में जाने के बाद एडमिन पर क्लिक करता हूँ। तो एडमिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा PHP MyAdmin वाला सेक्शन जो ओपन हो जाएगा, और इसको ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर आपका डेटाबेस क्रिएट करना होगा। हमारा इस तरह का कुछ इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डेटाबेस के अंदर आना है। डेटाबेस के अंदर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डेटाबेस का नेम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर न्यू एक बार को डेटाबेस न्यू करके यहाँ पर नाम देता हूँ और सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डेटाबेस यहाँ पर न्यू करके क्रिएट हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ कि हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है या नहीं। तो मैं सिंपली वहाँ पर एक बार आपको डेटाबेसेस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमारा न्यू करके ये वाला डेटाबेस एक बार को यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हमको इतना ये लोकल होस्ट ये सारा कॉपी करना है और हमारे न्यू टैब में ओपन करना है। यहाँ पर आपने जो भी उस फोल्डर का नाम रखा था, मैंने रखा था साइट नेम, इस तरह से मैंने नेम रखा था, इसमें आपको ओपन कर लेना। तो यहाँ पर आपकी जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आगे का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इतना आने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली इंग्लिश पर क्लिक रहने देना है। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है उस पर क्लिक कर दीजिए, लेकिन रिकमेंडेड इंग्लिश रहेगा। इंग्लिश पर यहाँ पर रहने देता हूँ और मैं सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेटाबेस नेम पासवर्ड ये सब कुछ पूछा जाएगा। यहाँ पर मैं सिंपली एक बार लेट्स गो पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको डेटाबेस का नेम रख देना है। डेटाबेस का नेम यहाँ पर हमारा न्यू था। यूजर नेम में आपको यहाँ पर रूट दे देना, तो मैं यहाँ पर रूट लिख देता हूँ। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। पासवर्ड यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ देना है, तो मैं पासवर्ड ब्लैंक छोड़ देता हूँ और बाकी सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर नहीं छेड़ना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सबमिट पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको रन इंस्टॉलेशन का एक ऑप्शन आएगा। रन इंस्टॉलेशन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिंपली साइट का टाइटल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार को डिजिटल वैज्ञानिक। मैंने यहाँ पर डिजिटल वैज्ञानिक लिख दिया है। यूजर नेम में मैं यहाँ पर सिंपली यूजर लिख देता हूँ और पासवर्ड में मैं PASS इस तरह से पासवर्ड लिख देता हूँ। और सिंपली आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, कन्फर्म पासवर्ड इस पर क्लिक कर देना, क्योंकि ये मेरे यहाँ पर वीक पासवर्ड है इसलिए इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। और ईमेल एड्रेस में मैं अपनी ईमेल आईडी एक डाल देता हूँ, इसको मैं ब्लर करने वाला हूँ। और डिस्करेज सर्च इंजन, इसको मैं सिंपली यहाँ पर रहने देता हूँ कि ये हमारी वेबसाइट लोकल उस पर है, उसमें सर्च इंजन कुछ नहीं वैसे भी क्राउड नहीं होगा। सिंपली मैं यहाँ पर एक बार को इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करने के बाद हमारी आगे की प्रोसेसिंग लेने के बाद वर्डप्रेस हमारा फुल्ली इंस्टॉल यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो सिंपली मैं एक बार को लॉगिन पर क्लिक कर देता हूं और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमको यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हमने रखा था वो दे देता हूं। और लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी बैकएंड के अंदर। तो ये हमारी वेबसाइट का बैकएंड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अगर आप फ्रंट एंड देखना चाहते हैं तो आपको WPAdmin को यहां से हटा देना और इतना सा पेस्ट कर देना और एंटर, एक सेकेंड एक गड़बड़ होगी, यहाँ से इतना सा कॉपी करने के बाद इतना आपको यहाँ पर पेस्ट करके एंटर दे देना है और हमारी साइट ओपन हो जाएगी हेलो वर्ल्ड करके। हमारा इस तरह का कुछ दिखने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अपनी लोकल होस्ट के अंदर आपके PC के अंदर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XAMPP। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।